से हम तैयार करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले बराबर की स्पेसिंग में इसकी सरिये को सजाएंगे, उसके बाद मास्टरिंग को वेल्ड करेंगे। सबसे पहले मास्टरिंग को वेल्ड करेंगे, आगे से 200 छोड़ के मास्टरिंग हम वेल्ड कर रहे हैं। मास्टरिंग को वेल्ड कर रहे हैं, ये हर एक मीटर पे वेल्ड करते पहले चले जाएंगे। शुरू में इसका ढांचा तैयार करेंगे। आइए दिखाते हैं मास्टरिंग कैसे बनता है। ये मास्टरिंग के लिए सरिया कटिंग कर रहे हैं, 500 डाया का केज बना रहे हैं, इसमें मास्टरिंग के लिए सरिया काट रहे हैं। सरिये की लंबाई 1200 काट रहा है। कट गया सरिया, अब इसको ले चल के इसके भी फ्रेम है उसमें हम बनाएंगे। ये हमारा मास्टरिंग बनाने का फर्मा है, इसको इधर खांचे में फंसा दिया। अब इसको लेके घुमाएंगे, ये हमारा मास्टरिंग बन के तैयार हो गया। अब इसका लैब देके इसको वेल्डिंग मार देंगे। इस तरह से मास्टरिंग बन के तैयार हो जाएगा। एक और बना के दिखाते हैं। इसको इसके हुक में फंसाया, और फिर लेके घुमाएंगे इसको। ये मास्टरिंग बन के तैयार। इस तरह से मास्टरिंग बनता है। अब उसको लैब देके उसको वेल्डिंग मार देंगे। करके लाके यहाँ हम हर एक मीटर पे वेल्ड करेंगे, जैसे वेल्ड किया जा रहा है। हर एक मीटर पे रख दिया गया है, अब इसको ये वेल्डिंग कर रहा है। हर मीटर पे पहले वेल्ड कर लेगा दो सरिये में, फिर से ऊपर बराबर डिस्टेंस मेंटेन करके फिर सारे पे वेल्डिंग करेगा। देखिए आगे वेल्डिंग करता रहता है। ये देखिए वेल्डिंग हर एक मीटर पे हो गया। एक और करना है इसके बाद। अब इसको इसी के सांचे में फिर हम इसके बराबर डिस्टेंस पे हर सरिये को लगाएंगे। 12 सरिया है, इसके डिस्टेंस को डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद से बराबर बराबर डिस्टेंस पे इसको हम बांधते जाएंगे और फिर बाद में इसको वेल्ड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले लगाया, उसको बाइंडिंग वायर से बांधने जा रहा है। बाइंडिंग वायर से बांधने के बाद उसको वेल्ड करेगा। इधर ये लास्ट मास्टरिंग वेल्ड करने जा रहा है। आगे से मेरा 750 छोड़ा गया है, क्योंकि कट ऑफ लेवल से अपने को 750 छोड़ना है, इसलिए 750 छोड़ के वेल्ड कर रहा है लास्ट वेल्ड मास्टरिंग। उसके बाद हर मीटर पे वेल्ड कर दिया। अब ये बराबर दूरी पे सरिये को बांधा जा रहा है मास्टरिंग में मेन बार को बाइंडिंग बार की सहायता से बांधा जा रहा है। बांधने के बाद फिर इसको हम वेल्ड करेंगे। वेल्ड करने के बाद लास्ट में हम हेलिकल इसमें डालते हैं। देखिए हमारा बाइंडिंग चालू है। देखिए एक तरफ बांध के फिर आगे बांधते हुए जा रहे हैं ये लोग। अभी दो सरिया ऊपर और आना बाकी है। देखिए इस तरह आखिरी तक ये बाइंडिंग चालू है। ऊपर का सरिया लगाओ, ऊपर का। ये ऊपर का जो बचा हुआ है उसको लगाया जा रहा है। अब हम जो यल
मारे हैं, उस यल को आपस में वेल्ड कर रहे हैं, यल को आपस में वेल्ड किया जा रहा है। से हमारा ये फ्रेम स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है, ये इसका फ्रेम स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम हेलिकल डालेंगे, ये देखिए हेलिकल, हेलिकल को पहले ये लोग खींच रहे हैं ताकि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, और फिर इसको डालेंगे, और ये सारे मास्टर रिंग को अभी ये वेल्ड किया जाएगा। जितने मास्टर रिंग है सब बाइंडिंग वायर से बांध के रोका गया है, इसको सब अभी हम वेल्ड करेंगे। ये हेलिकल देखिए डाला जा रहा है एक किनारे से, हल्के ऐसे घुमा घुमा के डालना पड़ता है। देखिए दूसरा, ये भी पहला रिंग लाया, दूसरा हल्केल आ गया, वो भी घुमा घुमा के ही डालना पड़ेगा। देखिए दूसरे साइड से भी हेलिकल डालना चालू कर दिया, हेलिकल का है या स्पाइरल रिंग का है, और ये मास्टर रिंग को पूरा बेल्ट करना चालू कर दिया। ये सभी मास्टर रिंग को ये बेल्ट कर रहा है, ये पूरा बेल्ट किया जाएगा। सारे मास्टर रिंग के हर एक मेन बार में बेल्टिंग होगी, उसके बाद ये स्पाइरल रिंग हम डाल के इसको 150 सेंटर टू सेंटर 150 के स्पेसिंग पे हम फिर बाइंडिंग वायर से बांधेंगे मेन बार में। देखिए एक तरफ से बांधना स्टार्ट हो गया, तो हर मेन बार में बाइंडिंग किया जाएगा। इसका डिस्टेंस 150 होगा, तो काम एक साथ हो रहा है, इधर से हेलिकल बांधा जा रहा है, इधर से मास्टरिंग वेल्डिंग किया जा रहा है। देखिए हेलिकल को बांधते हुए, इस तरह से हर मेन बार, जितना मेन बार है, जहां जहां ये हेलिकल हमारा घूम घूम के जा रहा है, सब पे बाइंडिंग किया जाएगा। ये बाइंडिंग किया जा रहा है, बाइंडिंग वायर हर जगह बांधा जाएगा। ये पूरा देखिए कितने कितने लोग लगे हुए हैं बाइंडिंग करने के लिए। इसका जहां एक स्पाइरल से दूसरा स्पाइरल खत्म हो रहा है, उसको हम लैप दे रहे हैं, जो लैप 50 डिग्री दे रहे हैं। ये देखिए बाइंड किया जा रहा है, इसी के साथ दूसरा आके लैप हो जाएगा, 50 डिग्री लैप देंगे, 400 का लैप होगा। ये देखिए लिफ्टिंग हुक बना रहा है, जो लिफ्टिंग हुक यू लगाते हैं ना उसमें आगे ऊपर, उसको आगे वेल्डिंग करेंगे, इसी में हम वायर रोप को फंसा के केज को उठाते हैं। ये लिफ्टिंग हुक ले गया, लिफ्टिंग हुक लगा रहा है, जिसमें हम अपना सीलिंग फंसा के, वायर रोप का सीलिंग फंसा के केज को उठाते हैं, रिंग मशीन का वायर रोप का सीलिंग फंसा के उठाते हैं। ये अपना लिफ्टिंग हुक है, यू का वेल्डिंग किया जा रहा है। इधर से जाली रेडी हो चुकी, ये पूरा प्रॉपर बाइंडिंग करके, ये देखिए पूरा प्रॉपर बाइंडिंग करके जाली मैक्सिमम रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा आगे हेलिकल बांधना है और यू वेल्डिंग करना है, जो कि यू वेल्डिंग हो चुका। इस तरह से फाइनली एक केज बन के हमारा तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब इसको ऑन साइड हम जहाँ यूज करना है उसको शिफ्ट करेंगे।